गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉइस्चर इन सॉइल जो कि क्लास सेवेंथ का टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था अबाउट सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, और एक हमने किया था सॉइल प्रोफाइल्स। आज हमने करना है मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल में क्या होता है कि Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you have noticed that the air above the land is shimmering. आप कभी मतलब कि farmland area में गए होंगे या hot summer area में गए हो जहाँ पर मतलब बहुत warm temperature होता है, तो वहाँ पर आप कभी notice करते हो कि वहाँ पर land जो होती है वो shimmer कर रही होती है, चमक रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने इसके लिए एक्टिविटी करनी है, आपको एक बॉयलिंग ट्यूब लेनी है। बॉयलिंग ट्यूब लेकर आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ सॉयल डाल देनी है और उसको क्या करना है, आपने फ्लेम पर हीट करना है। जब आप उसको हीट करोगे तो जो वाटर होगा इसमें वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो बॉयलिंग ट्यूब का सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा जो कि ठंडा है, वहाँ पे क्या होगा, जो इनर पार्ट में क्या होगा, वाटर मतलब कंडेंस हो जाएगा। तो ये आपका ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉयल इवेपोरेट्स मूव्स अप, ये आपको मैंने अभी बताया है, एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉयलिंग ट्यूब। जो आपका ऊपर वाला पार्ट होगा, जो उसके इनर वॉल्स होंगे वो क्या होंगी, कंडेंस हो जाएंगे। ऑन अ समर डे द वाटर कमिंग आउट द सॉयल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जो वाटर वेपर्स होते हैं हॉट समर डे वाले दिन, तो वाटर कमिंग, जब वेपर्स कमिंग मतलब कि सन की रिफ्लेक्शन में कमी आते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, एंड एयर अबव द सॉयल, तो क्या होता है कि मतलब कि सॉयल वहाँ पर चमकने लग जाती है। आफ्टर हीटिंग द सॉयल, आपने जिस सॉयल को हीट किया, टेक इट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। आपने क्या करना है, मतलब कि आपने हीटिंग जो सॉयल हुई है उसको ट्यूब में से बाहर निकाल देना है और कंपेयर करना है उस सॉयल के साथ जो हीट नहीं की हुई, तो ठीक है, आपको दो डिफरेंसेस मिलेंगे कि जो हीट की हुई थी उसमें मॉइस्चर है और जो विदाउट हीट की हुई थी उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, मतलब कि किस सॉयल में मॉइस्चर होगा और किस सॉयल में मॉइस्चर नहीं होगा, ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है सॉयल की, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है कि हमारी जो सॉयल है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल, आपको एक प्लास्टिक फनल लेना है, टेक अ फिल्टर पेपर फोल्ड एंड प्लेस इट शोन इन फिगर। फिगर में आपको शो किया गया, आपने उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देना है, वो वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पावर्ड सॉयल, आपको क्या करना है उसमें मतलब कि आपने 50 ग्राम सूखा नमक डालना है और उसको मतलब कि पूरी तरह से पाउडर बना लेना है और फनल के अंदर डालना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड प्योर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आपने इसके साथ एक अलग से दूसरा बीकर लेना है, उसमें आप जितना वाटर डाल सकते हो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपने उसमें डाल देना है, तो फिर उसमें से आप वाटर को क्या करोगे, एंड प्योर ड्रॉप, यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, आप मतलब कि इसमें ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हो। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, फिर आपने क्या करना है उस बीकर के साथ दूसरे जो आपने जिस बीकर के ऊपर आपने फनल लगाया है तो वहाँ पे आपने उसको मतलब कि उसमें पानी डालते जाना है, ठीक है। तो प्योर वाटर ऑल ओवर द सॉयल, तो कीप प्योरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, जब वो ड्रिपिंग करना स्टार्ट कर देगा तो सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग। सबसे पहले आपने ड्रॉपर लिया, फिर यहाँ पे आपने भी फिल्टर पेपर लगाया, उसमें आपने ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर गिराया, डालते रहना है, ये फनल है हमारा, ठीक है, ये बीकर हो गया। तो जब तक आपका मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर नीचे नहीं आएगा तब तक आपने वाटर डालते जाना है, और फिर आपने मतलब कि जब ये नीचे आ जाएगा तो आपने वाटर को वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो क्या होगा, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉयल, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। आप रिजल्ट कैसे रिकॉर्ड करोगे, वेट ऑफ सॉयल, आपकी सॉयल का वेट क्या था, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, आपने जो मतलब कि पहले सिलेंडर लिया वो कितना ग्राम था, UML, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर VML, जो आपने मतलब कि बाद में लिया उसका क्या होगा, VML, ये आपका टोटल था UML, ठीक है। तो आपने
मतलब जो बीकर में UML पानी लिया था, मतलब कि मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में ये नहीं बताया था कि कितना पानी आपको लेना है। अब मान के चलो कि आपने UML पानी ले लिया, कुछ आपने मतलब VML उसमें डाल दिया जो आपने फनल में डाला है, सारा पानी तो डाला नहीं, तो जो बचा हुआ पानी है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U-VML। ओके, तो वाटर का वेट क्या हो गया? वेट को हम किसमें लिखेंगे? ग्राम में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पानी की ऑब्जर्वेशन है, तो क्या कहेंगे? मिलीलीटर में। और जो वाटर का वेट होगा वो एब्जॉर्ब, जो सॉयल ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? U-V ग्राम, क्योंकि वो जो हमारा 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम। तो ग्राम जो होती है, ग्राम और किलोग्राम आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मास, ये दोनों किसकी यूनिट है? मास की। अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट्स 1 ग्राम वेट एंड मास ऑफ किलोग्राम वेट एंड 1 किलोग्राम वेट, जो हमारी ये 1 मास ऑफ 1 ग्राम वेट्स 1 ग्राम वेट एंड मास ऑफ 1 किलोग्राम जो वेट होता है वो 1 किलोग्राम वेट होता है। डेली लाइफ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। तो जो हमारा ये ग्राम और ग्राम वेट के अंदर जो डिफरेंस है वो हम भूल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि परसेंटेज, हमने वाटर एब्जॉर्ब किया तो हमारी परसेंटेज क्या निकला? U-V/50, क्योंकि हमने पूरा पानी तो डाला नहीं था, हाफ पानी डाला था बीकर के अंदर, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100। रिपीट कर सकते हैं आप इसको एक्टिविटी को अलग अलग सॉयल के साथ। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर द ऑल सैंपल्स? डिस्कस द रिजल्ट। आपको मतलब कि अलग अलग तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे अलग अलग सॉइल के साथ। तो विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट परकोलेशन रेट, वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो जाता है कि भी किस सॉइल ने सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट लिया। आगे नेक्स्ट आता है कि किस सॉइल ने कम परकोलेशन रेट लिया। बुजो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 10 days आफ्टर द रेन। बुझो मतलब कि सुनता है कि उसका नेबर उसको बताता है कि 8-10 दिन पहले जो बारिश हुई थी, द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस। तो जो मतलब कि पॉन्ड और राइजेस का वाटर है वो काफ़ी बढ़ गया। तो विच टाइप ऑफ सॉयल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर। तो मतलब ये कौन सी सॉइल होगी, वो किस टाइप की सॉइल होगी जो मतलब कि वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब करेगी इन ग्रेटर अमाउंट, कि किस सॉइल का परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और क्लेई सॉइल का परकोलेशन रेट कम होता है, और लॉमी सॉइल का परकोलेशन रेट वो मिक्स होता है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर सैंडी सॉइल। तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? तो आपको पता ही है कि कौन सी मतलब कि जो होगी सॉइल जो मतलब सबसे कम मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, जो मतलब कि ज़मीन के बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी, तो उसका परकोलेटर किसका होगा? सैंडी सॉइल का। तो अब आता है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज अ लॉमी सॉइल, व्हाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज अ सैंडी सॉइल। हमारे मतलब डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स हैं, और सम पार्ट्स में हमारी कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल यूज़ होती है, कुछ पार्ट्स में लॉमी सॉइल, और कुछ पार्ट में क्या होता है कि सैंडी सॉइल यूज़ होती है। सॉइल इज़ अफेक्टेड, सॉइल हमारी किससे अफेक्टेड होती है? हवा से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से या ह्यूमिडिटी से। ये सारे मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। और मतलब कि वो उसकी सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सारे के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। द क्लाइमेटिक फीचर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो ये मतलब कि सारा का सारा जो प्रोसेस चलता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं, तो यहाँ पे ये पता लगता है कि हमें मतलब किस टाइप से अपने क्रॉप्स को ग्रो करवाना है और कैसे हमने वहाँ पे कैसी वेजिटेशन हमने देनी है। क्लेई एंड लॉमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रियर्स लाइक वीट। जो क्लेई और लॉमी सॉइल्स होती हैं वो दोनों सुटेबल होती हैं कौन सी क्रॉप्स उगाने के लिए? वीट की या ग्राम की। ग्राम होती है हमारी पल्सेस। तो सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। जो हमारी क्लेई और लॉमी सॉइल होती हैं वो हमारा वाटर जो होती है वो जल्दी से रिटेन कर लेती हैं, क्योंकि उनमें गैप कम होता है। तो फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले, जो पैडी में होते हैं सॉइल्स, क्ले काफ़ी मतलब क्ले सॉइल जो होती है वो काफ़ी रिच होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी, और उसमें काफ़ी गुड अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर को रिटेन करने की। फॉर लैंड मसूर एंड अदर पल्सिस लॉमी सॉइल, जो मसूर की दाल हो गई और अदर पल्सिस हो गई उसमें मतलब कि लॉमी सॉइल्स का यूज़ किया जाता है उगाने के लिए। तो विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड,
फॉर कॉटन सैंडी लॉम एंड लॉम। तो जो कॉटन की मतलब कि हम क्रॉप उगाते हैं तो वहाँ पे कौन से सैंडी लॉम और लॉम, सैंडी सॉइल और लॉम सॉइल हम यूज़ करते हैं, विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल, जो कि मतलब कि काफ़ी सुटेबल क्वांटिटी में मतलब एयर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लॉमी सॉइल, जो हमारी वो सैंडी सॉइल होती है उसमें एयर को मतलब एयर जल्दी से घुस जाती है, और जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसमें मतलब कि एयर नहीं घुस पा, एयर नहीं जा सकती अंदर, और लॉमी सॉइल में दोनों की क्वालिटीज होती हैं। तो क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टिलाइज। क्रॉप्स जो होती है, वीट की क्रॉप जो होती है वो कहाँ कौन सी सॉइल में होती है, क्ले सॉइल में, क्योंकि उसमें मतलब कि ह्यूमस ज़्यादा होता है और काफ़ी फर्टाइल होती है वो। फाइंड योर टीचर्स पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड ग्रोन इन योर एरिया, एंटर द डाटा। आपको मतलब कि ये डाटा फिल करना है। अब हम बढ़ते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर विंड एंड आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन। जो हमारा मतलब कि इस लैंड के ऊपर से सरफेस से मतलब कि वाटर का हट जाना, वो वाटर कैसे हट सकता है, विंड भी आ सकती है, बर्फ़ भी पड़ सकती है, या ज़्यादा मात्रा में जब पानी आ जाता है तो उससे हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड एंड सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज, और जब मतलब कि प्लांट्स के एब्सेंस में हमारी सॉइल क्या होती है, लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाई विंड एंड फ्लोइंग, ये किसके कारण होता है, विंड के कारण या वाटर फ्लो के कारण। वाटर इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्वर इन एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन, यहाँ पे मतलब कोई भी वेजिटेशन नहीं होती सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड, सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। हमें मतलब कि जो ट्रीज हैं उनको कम से कम कट करना चाहिए और डिफोरेस्टेशन हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें रिफोरेस्टेशन फॉलो करना चाहिए और अपने ग्रीनरी को बढ़ा के रखना चाहिए, ग्रीनरी को इंक्रीज रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक केस स्टडी है, लास्ट जॉन रशीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोगापुर इन मध्य प्रदेश। जोहन रशीदा और राधा तीनों लीलाधर दादा के पास जाते हैं और संतोष मालविया सोगापुर इन जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो मतलब कि पूछते हैं उनसे कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सॉरी वो मतलब लीलाधर दादा वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सुराही मटकी और कल्ला के लिए मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन, वहाँ पे उनकी क्या क्या कन्वर्सेशन होती है वो देखते हैं। दादा से वो क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर वाज द सॉइल ऑब्टेंड, आप सॉइल कहाँ से लाते हैं, वो कहते हैं कि हम बैरन लैंड से सॉइल लाते हैं। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, आप सॉइल प्रिपेयर कैसे करते हैं, दादा बताते हैं कि हम पहले मतलब कि मिट्टी को एक लार्ज टैंक में डालते हैं और फिर उसमें से पैबल्स वगैरह निकाल लेते हैं, फिर हम उसको रिमूव करके 8-10 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग होज डंग, फिर हम उसमें होज डंग को मिक्स कर देते हैं। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन अ व्हील, और फिर हम उस सॉइल को नीड करते हैं व्हील के ऊपर एंड गिव एप्रोप्रिएट शेप, और एक मतलब कि हम अच्छे से शेप देते हैं जैसे कुम्हार देते हैं, ये सब लोग कुम्हार ही हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विद लैंड्स हैंड्स, द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग, आफ्टर ऑल द आइटम्स आर बेक्ड, फिर उनको बेक किया जाता है चीज़ों को और मतलब कि हवा में सुखाया जाता है। वाई इज होजडंग मिक्स इन सॉयल, तो दादा बताते हैं होजडंग क्यों मिक्स करते हैं। बर्न्स होजडंग हेल्प्स ओपन द पोर्स इन द सॉयल, जो होजडंग होता है वो हेल्प करता है सॉयल के पोर्स को ओपन करने में, सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकाज एंड सुराहीज इवेपोरेट्स द कूल्स, जो हमारे मटका और सुराहीज होते हैं वो परकोलेट करते हैं वाटर को और इवेपोरेट हो जाता है इसमें वाटर एंड वॉट कूल्स द वाटर इन साइड, और वाटर इनके अंदर जल्दी से जमा हो जाता है, सोख लेता है। तो यू नो सुहागपुरी सुहराइज एंड मटकाज आर फेमस इन फॉर ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर नागपुर, ये इस तरह के मटका सुराही या सुहागपुरी कहाँ पर मिलते हैं, नागपुर प्रयागंज एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 9 सॉइल का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आप तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट 9, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। थैंक यू।